वरना नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम तो पहला अरबा दी अपनी हालत ते कैफियत ए सी। उस दौर दे अंदर ईसाई मजहब पाया जांदा और ईसाइयां दे तीन गिरोह ने किन्ने एक ने मजमूई लिहाज नाल यहूदी ईसाई बुत परस अगे फिर ईसाइयां दे तीन गिरोह ने तीन किस्म दे लोग ने और तीन किस्म दी इन्हां दी सोच है। अल्लाह अल्लाह आओ जरा कुरान पाक ने बड़े प्यारे अंदाज ना उन्हां दी वजाहत फरमाई है। अल्लाह सानू कुरान नू समझ के अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। ईसाइयां दे तीन गिरोह जरा ज़हन च रखे आ दे। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब अलैहि सलाम काला तिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह आंदे ने काला तिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका कौलुहुम बे अफवाहिहिम अल्लाह दा बेटा है। ते नंबर दो कुरान ने दूसरा बयान फरमाया। नंबर दो ईसाइयां दा अकीदा की है। अल्लाह फरमांदे ने लकद काफर लजीन कालू इन अल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वकाल अल मसीह या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ईसाइयां दे दूसरे गिरोह ते दूसरी जमात दा अकीदा सपारा छेवां ते सूरत दा नाम है सूरा मायदा। ईसाइयां दा दूसरा गिरोह दा अकीदा गिर लकद काफर लजीन कालू उन्हां अल्लाह नाल कुफर कीता की कालू आंदे की ने इन अल्लाह वल मसीह इब्न मरियम ईसा ही अल्लाह। पहले आदा कीता की सी ईसा ईसा को याद रखे करो। पहले आदा कीता ईसा अल्लाह दा बेटा। दूसरे आदा कीता ईसा आप ही अल्लाह। इन अल्लाह वल मसीह इब्न मरियम हालांकि ईसा अलैहि सलाम ते ए दावत नहीं दी उन्हां ते लोगां नूं ए पैगाम नहीं दिता। जनाबे ईसा अलैहि सलाम दी दावत की से वकाल अल मसीह हो ईसा अलैहि सलाम कह रहे ने या बनी इसराइल अब्दुल्लाह मेरी कौम बनी इसराइल मैं भी अल्लाह नहीं मैं अल्लाह दा बेटा भी नहीं मैं अल्लाह भी नहीं अल्लाह दा बेटा भी नहीं। ए मेरी कौम बनी इसराइल मैं तुहानू अपने वल दावत नहीं देंदा कि मेरी इबादत करो मेरी पूजा करो मेरी परस्तश करो या बनी इसराइल अब्दुल्लाह ओ मेरी कौम इबादत करो किदी इबादत करो किदी ए मेरी कौम अल्लाह दी इबादत करो ते अल्लाह है
ਸੁਬਾਨੱਲਾ ਰੱਬੀ ਵਰਬਕੁਮ ਰੱਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਰੱਬੀ ਵਰਬਕੁਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਕਿਆਮਤ अपने दरबार दे अंदर बुला लिया तलब फरमा लिया मेरे भाई अल्लाह ते हर शय नू जानन वाला रब ते हर शय नू पहचानन वाला ए रब नू भी पता ते है सी ना ईसारी सलाम ने ए नहीं आखिया मेरी इबादत करो लेकिन रब्बुल आलमीन कयामत दे दिन जनाब ईसारी सलाम नू फरमानगे या ईसा बन मरियम ए ईसा ओ प्यारे मरियम दे बेटे या ईसा बन मरियम आ अंता कुलता लिन प्यारे ईसा क्या तुसा लोका नु आखिया से मेनू ते मेरी मां नु इला बन लो मेनू ते मेरी मां नु अल्लाह दा शरीक बना लो या इस काल अल्लाह हो या ईसा बन मरियम अंता कुलता लिन्ना सिता खिजोनी व उम्मे या इलाहीन मिन दूनिल्ला जनाबे ईसा की फरमाते ने काल सुबहानगा सुबहानगा मा यकूनोली अलैका मिन हक्किन इन कुन तो कुल तो फकद अलिमता सुभान अल्लाह ईसा अलैहि सलाम दा अकीदा इन कुन तो कुल तो फकद अलिमता तालम माफी नफसी वला आलम माफी नफस का इन्नका अंता अल्लाह सलाम फरमांदे ने सुबहान का तू पाके अल्लाह तू सुबहान का अल्लाह जी तुसी पाको पहली गल ते एवे ते अगली गल एवे अल्लाह जी अगर मैं ए आखे आए मैनू ते गल रवाई नहीं फबदी नहीं मैं ए गल आखा ते सोनिया जे मैं आख्या ते तू जान नहीं जे मैं आख्या ते तू जान इन कुन तो कुल तो हो इन कुन तो कुल कामों की वाले और रब दा वास्ता दे कदी कुरान खोलिया करो कुरान दा तर्जमा कदी पढ़न की कोशिश करिया करो निरा मलंगा ते मौलविया पिछे लग के साडे हजरत साहब ने ये फरमाता ते साडे मौलाना साहब ने ये फरमा दिता और रब दा वास्ता दे कदी बराए रास अल्लाह दा कुरान खोलिया करो पढ़िया करो कुरान मसाइल दा हल करदा कुरान अकायद दी सलाह करदा इन कुन तो कुल तो फकद अलिमता तालम माफी नफसी जो कुछ मेरे दिल विच तू जानना है तालम माफी नफसी जो कुछ मेरे दिल विच मेरे मालिक तुसी जानदे हो वला आलम माफी नफसे का जो तुहाडे जी विच मैं नहीं जानदा है मैं नबियां मैं जानदा वला आलम माफी नफसे का इन्नका ए अकीदा हर नबी दा अकीदा इन्नका अंता अल्लाह मुल्गयू
भी जानता है ते बोलो कौन सिर्फ मेरा अल्लाह जनाब ईसा अलैहि सलातो व सलाम अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे नबी ने दूसरी जमात दूसरे गिरोह दा अकीदा किए आंदे ने इन अल्लाह वल मसीह बनो मरियम हजरत ईसा ही नऊजु बिल्ला अल्लाह है तीसरा गिरोह अल्लाह फरमांदे ने लकद कफर अल्लज़ीन कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा इन्नल्लाह सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद तीजिया ने अल्लाह नाल कुफर कीता और ना किया ईसा मरियम ईसा अल्लाह दा बेटा मरियम अल्लाह दी बीवी है नऊज़ु बिल्ला अला याज़ु बिल्ला अल्लाह मरियम भी अल्लाह ईसा भी अल्लाह अल्लाह भी अल्लाह अल याज़ु बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह फरमांदे ने वमा मिन चलियो कमलियो अकीदा ठीक करो वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुम वाहिद ईसा अल्लाह नहीं मरियम भी अल्लाह नहीं अल्लाह इको ही है क्यों जी अल्लाह इको ही है मक्के वाले ने ना मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नु कहन लगे रब रब कर दे हो रब रब कर दे हो अल्लाह अल्लाह कर दे हो ते दसो तुहाडे रब दा शजरा नसब की है अस्तगफिरुल्लाह शजरा नसब की है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ते कुरान नाजल होया अल्लाह फरमांदे ने कुल हुवल्लाहु अहद शजरा नसब हुंदा मौलवियां दा शजरा नसब हुंदा ताजरां दा शजरा नसब हुंदा खतीबा दा शजरा नसब हुंदा अंबिया दा शजरा नसब हुंदा औलिया दा शजरा नसब हुंदा अतकिया दा शजरा नसब हुंदा सुलहा दा चंगियां दा मंदियां दा ते शजरा नसब तुसी रब दा पुछदे हो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब दा शजरा नसब ए मेरे महबूब फरमा दियो अल्लाह कल्ला ही है अल्लाह इबादत भी अल्लाह कल्ले दी करनी है ना ओ देना किसे मौलवी नू शरीक करना ना किसे पीर नू शरीक करना ना किसे मलंग नू शरीक करना ना किसे वली नू शरीक करना ना किसे ताबी नू शरीक करना ना किसे सहाबी नू शरीक करना ओ दी इबादत विच ना किसे नबी नू शरीक करना अल्लाह हो अहद शहादत के लायक उसी के है फरमान इताअत के लायक उसी के है फरमान इताअत के लायक उसी की है सरकार खिदमत के लायक लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ से अपनी लगाओ और झुकाओ तो
सर उसके आगे झुकाओ, लगाओ तो लो अपनी। इसके अंदर कोई तकसीम नहीं, यहूदी हो ईसाई हो दूसरा तीसरा हो या मुसलमान हो, कोई तकसीम कोई तफरीक नहीं। ये अल्लाह तो इलावा भी किसी नु सजदा हो सकता है रब दे दरबार च, अल्लाह दे सामने जेड़ा सजदा। और ये दे सारे मकातबे फिकर मुत्तहिद ने के रब तो इलावा सजदा किसी नु जायज। कुछ अरसा पहले टीवी ते उदो एडा ज्यादा मीडिया का दौर नहीं सी, मौलाना शाह अहमद नूरानी बरेलवी मकतबा फिकर दे आलमे दीन सर टीवी ते मौजूद सर। एक स्टूडेंट तालिबा ने सवाल किया जी यह जेडे कबरां ते सजदे होंदे ने ये सजदे जायज ने? नूरानी साहब ने जवाब एदा जड़ा दिता है, कह लगे सजदा ताजीम दा होवे ते तद भी हराम है, इबादत दा होवे ते तद भी हराम है। सजदा रब तो इलावा किसे नू पाबदा ही नहीं। नबी अली सलाम को लाए शाम दे इलाकियां चो या माले तिजारत लेके और इलाका जाते अंदर से सहाबा जाते वापस आके कह लगे सोने असी वेखे है के लोग अपने बादशाह सजदे करते ते सोने हो बादशाह ते तुहाडियां जुतियां दे खात दे भी बराबर नहीं। हजूर असी तुहानू ना सजदा कर लिया करिए, साड़ी अकीदत साड़ी मुहब्बत नबी पाक दा फरमान सुन लो। आप फरमांदे ने अल्लाह तो इलावा जे सजदा किसे नु करना जायज हुंदा ते मैं बीवियां नु हुक्म करदा अपने खामद नु सजदा कर दिया। जे रब तो इलावा है शोर यार या पक्खा बंद कर दे, रब तो इलावा किसे नु अगर सजदा करना जायज हुंदा ते मैं बीवियां नु हुक्म करदा अपने खामद नू सजदा कर दिया। यानी पैगंबर ने दसिया अल्लाह तो इलावा किसे नू सजदा जायज नहीं, सजदा ओदा हक है। क्यों कुल हो वल्लाह आहद है जात वाहिद इबादत के लायक जबा और दिल की शहादत के लायक उसी की है सरकार, खिदमत के लायक उसी के है फरमा, इताअत के लायक लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ और झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। शिरकत से उसकी खुदाई नहीं, उसके आगे किसी की बड़ाई। ईसाइयां ने हजरत ईसा अलैहि सलाम नो आख्या अल्लाह दा बेटा, नऊज़ु बिल्लाह इन्हें आख्या खुद ईसा ही अल्लाह, तीसरा कीता की है। हालांकि ईसा अलैहि सलाम तो सलाम फरमांदे ने ए मेरी कौम बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो जेड़ा मेरा भी रब है ते तुहाडा भी रब है। ते अगली गल की आखी इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह जेड़ा अल्लाह नाल शिरक करे, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना। एडी बुरी लानत है शिरक दी, हर गुनाह माफ हो सकता है। अल्लाह कादिर ने शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म
कबीरा गुनाह, जुआ खेलना कबीरा गुनाह है, जिना करना कबीरा गुनाह है, लेकिन ये सारे हक रब दे ने, मालिक चाहे ते सजा दे ले चाहे ते माफ कर दे, उन्हों को पूछन वाला नहीं। लेकिन शिरक एडी बुरी लानत है। अल्लाह जुल जलाल ने खुद फरमा, हाला एक रवायत आता है नबी अली सलाम ने फरमाया रब ने अपने अरश ते ए लिखे है, मेरी रहमत मेरे गजब ते गालब, मेरी रहमत मेरे गुस्से ते गालब। यानी जेड़ा एडा गफूर रहीम है और रब कुरान दे अंदर बाकायदा ऐलान कर देता। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इन्नहू मन युशरिक बिल्लाह, जिन्ने अल्लाह नाल शिरक कीता, अल्लाह फरमांदे ने फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने इस बद बख्त ते जहन्ना, इस बद बख्त ते अल्लाह ने जन्नत नु हराम फरमा दिता, ओ जन्नत विच दाखल हो सकदा। दुआ करे अगर अल्लाह शिरक दी लानत तो बचा के रखे। परवानियों कुरान दियो ए ईसाइयां दा अकीदा है। अच्छा और यहूदियां दा अकीदा की है? अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो व सलाम अपनी जबाने नबुवत तो फरमा दियो, कालत यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह, ईसाइयां ने आख्या ईसा अल्लाह दा बेटा, यहूदिया ने आख्या उज़ैर अल्लाह दा बेटा। अच्छा ये आख्या हजरत उज़ैर अली सलाम नू क्यों अल्लाह दा बेटा आख्या? हजरत ईसा अली सलाम दी गल समझ आ रही है कि रब्बुल आलमीन ने बगैर बाप दे ईसा अली सलाम नू पैदा फरमाया। शक करने वाले ने कर लिया, फायदा उठा लिया। उज़ैर अली सलाम नू क्यों अल्लाह दा बेटा आख्या? वकालतिल यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह, मुकाबला बाजी हो रही है। वह आंदे ने ईसा अल्लाह दा बेटा, नाउज़ु बिल्ला, ये आंदे ने उज़ैर अल्लाह दा बेटा। हजरत उज़ैर नू अल्लाह दा बेटा क्यों आख्या गया? ओदी बुनियाद हजरत उज़ैर अली सलाम दा एक मौजज़ा है। बुनियाद की है कि जदों बुख्त नसर ने फलस्तीन दे सारे इलाके फतह कर लिया ते इन्हां सारियां नू गिरफ्तार कर लिया, इन्हां नू मुलक बदर कर दिता, कैदी बना लिया, और जिन्ने नुस्खे सन तौरात दे उन्हां सारियां नू अग ला के जला दिता। यानी तौरात नू किताब नू खत्म कर दिता। तौरात दा कोई नुस्खा दुनिया ते मुयसर नहीं आ रहा। और मैं कुर्बान जावा ये शर्फ भी अल्लाह ने दिता है ते कुरान नू दिता है। हर दौर दे अंदर लोकां मनसूबे बनाए, प्रोग्राम बनाए कि मुसलमाना दी वहदत दा मरकज कुरान की है। कुरान मुसलमान इन्हां नू आपस तकसीम किवें करना है? अज फिरके फिरके ते जमाता जमाता ते गिरो गिरो जेड़े हो रहे ने दिन ब दिन या हो चुके ने, ये सारा दुश्मन दिया साजिशां दा नतीजा। क्या मुसलमानां नू आपस दे अंदर लड़ा दियो, ओनू काफर कह रहा, ओनू काफर कह रहा, ओनू काफर कह रहा, ओदी ओदे पिछे नहीं हुंदी, ओदी ओदे पिछे नहीं हुंदी, लड़ा दियो। मेरे हका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब तशरीफ ले आए ने, उम्मत में इत्तेफाक व इत्तेहाद दा दरस दिता, सबक दिता। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो व सलाम दे उज़ैर नू यहूदिया ने अल्लाह दा बेटा आख्या क्यों? तौरात दे नुस्खे जला दिते, खत्म करते। अरसे दे बाद जदों इन्हां नू कोई हालात बेहतर होए
वापस अपने इलाकियां चा के आबाद होए। हुण फिकर ला है कोई भी वह साड़ी किताब तौरात का की बने है, वो नुस्खा नहीं लभदा पिया। हालांकि कुरान 1400 साल हो गए ने अज तक महफूज, अज तक एदी जबर नू जेर कोई नहीं बना सकिया, जेर नू पेश कोई नहीं बना सकिया, ते बना सकदे भी नहीं, बना सकदे भी नहीं, बना ही नहीं सकदे। किसे मां दे लाल च जुर्रत ही नहीं। तौरात कितों लभी है? हजरत उज़ैर अली सलाम अल्लाह दे आखर नबी सन, ज़हीन बड़े सन, इन्होंने शुरू तो लैके आखिर तक तौरात लिख दीती, लिख भी दीती और ज़बानी बनी इसराइल सुना भी दीती कि ऐ जे तौरात दे अहकामात मर्जी रब दी। कुछ अरसे दे बाद किसे गड़े चो टोए चो तौरात दा नुस्खा मिल गया। बंदा किसी जगह तो खुदाई करता है, नीचों कोई चीज़ मिल जाती, हो सकता है किसी ने अकीदत नाल मुहब्बत नाल बचान वास्ते छुपान वास्ते जेरे जमीन नू रख दिता गड़े अंदर, अरसे दे बाद जमीन नू खोदिया नीचों तौरात दा नुस्खा निकलिया, खुश हो गया तौरात लभ गई। हालांकि अज तौरात अपनी असल हालत विच मौजूद नहीं, इंजील भी नहीं, जबूर भी नहीं। उस दौर तौरात असल हालत मिल गई। हुण जिहड़े वडेरे सियाने सन उह कहण लगे उज़ैर ने अलैहिस्सलाम एक नुस्खा तौरात दा लिखिया ते सानू उहनां सुनाया भी है, इहनू उहदे नाल मिलाइए भी मिलदा जुलदा। उज़ैर ने उहदे अंदर माज़ल्ला को वादा घाटा तो नहीं किया, शुरू तो लैके आखिर तक तौरात दा एक एक हरफ पढ़िया, जो कुछ उस तौरात विच सी ओह ही जनाबे उज़ैर ने लिखिया। कहन लगे ये काम आम किसे बंदे दा नहीं, उज़ैर अल्लाह दा बेटा नौज़ुबिल्ला। इस वास्ते अल्लाह ने ओ तौरात दा इलम उज़ैर दे सीने अंदर इलका कर दिता है। अच्छा हुण ए यहूदियां दा दावा उज़ैर अल्लाह दा बेटा, ओ ईसाइयां दा दावा ईसा अल्लाह दा बेटा नौज़ुबिल्ला। हुण इन्हां दोवां गिरोहां दा अगे एक मौकफ है। ईसाई आंदे ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम साडे मज़हब दे ने, यहूदी आंदे ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडी मिल्लत दे ने। ते कुरान ने जवाब की दिता मा काना इब्राहिम यहूदियन, यहूदी आंदे ने इब्राहिम यहूदी सन, ईसाई आंदे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई सन। ते कुरान की आंदा मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन। मेरे प्यारे खलील इब्राहिम यहूदी भी नहीं सन ते बोलो ईसाई भी। ईसा अलैहिस्सलाम तो कई साल बाद हजरत इब्राहिम तशरीफ ले आए ने, उज़ैर अलैहिस्सलाम तो कई साल बाद हजरत इब्राहिम तशरीफ ले आए ने, और जेड़े आए ही बाद विच ने ओ पहले किसे मजहब ते हो सकदे। मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन, ना यहूदी सन ना ईसाई सन, है की सन, वला किन काना हनीफन मुस्लिमा, वला किन काना हनीफन मुस्लिमा। मेरे खलील इब्राहिम ते यक तरफा अल्लाह दे फर्म बरदार सन, मा वला किन काना हनीफन मुस्लिमा व मा कान मिनल मुशरिकी। ईसाई
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ। ਜਨਾਬ ਈਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਹੂਦੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਜ਼ੈਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਮਵਾਹਿਦ ਮੇਰਾ ਖਲੀਲ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਵਾਹਿਦ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਅੱਗੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬੀਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੱਬ ਇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾ ਛੱਡੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜੋ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾ ਇਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਇਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਾਜਤ ਮੰਦ ਖੁਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਵਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਮਸਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਗੋ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਔਰ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਬੀਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਰੱਖਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਨ ਤਮਾਮ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਰਾਨ ਵ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਇੰਦਾ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਜੁਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਲੀਯੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਵ ਸਦਕ ਰਸੂਲ